वेलकम तरुण स्कूल पीकेडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक देखो प्रश्नावली 1.3 की हम चर्चा करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। प्रश्न है आपका कि कारण सहित बताइए कि बाइनरी ऑपरेशन में आपके पास कुछ नियम है और उस नियम के आगे एक सेट दे रखा है, तो क्या वो बाइनरी ऑपरेशन उस सेट पर परिभाषित है या नहीं है। तो देखो उसमें हमारा पहला प्रश्न है तो ए एस्ट्रिक बी बराबर ए, और ये जो नियम है, जो ये बाइनरी ऑपरेशन लगा हुआ है, एक नियम लगा हुआ है, वो इस एन में देखना है कि ये द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। तो देखते हैं हम इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं। मैं कोई दो डिजिट लेता हूं, किसमें से, एन में से। तो मैंने ले लिया, माना मैंने ले लिया एक और दो, वो कंटेन कर रहा है नेचुरल नंबर में। तब मैं ये नियम लगाऊंगा, तो नियम में लिख दो वन एस्ट्रिक टू बराबर। अब देखो वन एस्ट्रिक टू बराबर ए एस्ट्रिक बी बराबर ए आना चाहिए, तो कितना प्राप्त होगा, वन प्राप्त होगा। क्या ये नेचुरल नंबर है या नहीं है, ये नेचुरल नंबर है। तो देन इंप्लाइज क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि ए एस्ट्रिक बी बराबर ए, ठीक है, फॉर ऑल ए बी कंटेन एन के लिए, मैं लिखो मैं एस्ट्रिक द्विआधारी संक्रिया है। यह आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आपका सेकंड, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस थ्री, ये एक नियम है बाइनरी ऑपरेशन में, और वो किसमें डिफाइन है, सेट एन में है। तो देखो हम देखना चाहते हैं कि ये रियल में ये बाइनरी ऑपरेशन यहां पर डिफाइन हो रही है नहीं हो रही है। तो देखते हैं, वही मैं ले लेता हूं दो एलिमेंट, माना मैंने दो एलिमेंट ले लिया, वही वन एंड टू कंटेन नेचुरल नंबर, तो इन्हीं को रख दिया इसमें, वन एस्ट्रिक टू बराबर, इस नियम को फॉलो करवा रहा हूं, वन प्लस टू माइनस थ्री कितना बच गया, जीरो। क्या जीरो नेचुरल नंबर है, नहीं, जीरो नॉट कंटेन नेचुरल नंबर। तो देन इंप्लाइज एस्ट्रिक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तीसरा है आपका ए स्टार बी बराबर ए प्लस थ्री बी, वो एन में देखना है। तो देखो माना वही मैं दो एलिमेंट ले लेता हूं, वन एंड टू कंटेन नेचुरल नंबर। अब इस नियम को लगाता हूं इसमें, वन एस्ट्रिक टू बराबर वन प्लस थ्री इंटू टू, वन प्लस सिक्स कितना आ गया, सेवन। क्या सेवन नेचुरल नंबर है या नहीं है, नेचुरल नंबर है। कोई सी भी दो आप प्राकृत संख्या ले लो, आपको प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगी। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका एस्ट्रिक बाइनरी ऑपरेशन है। नेक्स्ट प्रश्न है चार नंबर पहले का, ए स्टार बी बराबर ए अपॉन बी क्यू, क्यू का मतलब होता है परमेय संख्या, परमेय संख्या हम देखना है। तो देखते हैं हम क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है यहां पर। तो मैं लिख लेता हूं, माना मैंने दो डिजिट ले लिए, जीरो ए वन और जीरो, वो दो मैंने परमेय संख्या ले ली, ठीक है। तो इसको आगे इस संक्रिया में फॉलो करा रहा हूं, तो वन एस्ट्रिक जीरो बराबर वन अपॉन जीरो। अब देखो वन अपॉन जीरो लिख दूंगा तो क्या ये डिफाइन होगा, ये डिफाइन नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा, ठीक है, परिभाषित नहीं होगा। इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। देन इंप्लाइज एस्ट्रिक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों नहीं है, इसका कारण ये देखो, क्यों, जीरो कोई परिमेय संख्या है या नहीं है, परिमेय संख्या है जीरो नंबर, शून्य परिमेय संख्या, इस बात का ध्यान रखना। तो मैं शून्य भी ले सकता हूं, यानी कोई भी परिमेय संख्या ले सकता हूं, तो यहां पर आपका नियम फेल हो गया, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। नेक्स्ट है आपका पांच नंबर, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी आर में, वास्तविक संख्या में,
तो यहाँ पर देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। माना कोई भी एनी दो डिजिट ले लो आप, जैसे मैंने लिया 2 और 5 कंटेंट रियल। अब इसको इसमें अप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 2*5 बराबर 2-5 कितना आ गया -3। क्या -3 रियल नंबर है या नहीं है? ये नंबर है। तो देन इम्प्लाइज क्या लिख दोगे, a*b बराबर a-b फॉर ऑल ab कंटेन r में एस्ट्रिक बाइनरी ऑपरेशन है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, इस प्रश्न में हमें एस्ट्रिक संक्रिया में शास्त्रीयता और क्रमणिकता नियम की जांच करेंगे कि किस नियम में शास्त्रीय है और किस नियम में क्रमणिक में है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो उसका पहला पार्ट देखो। एन में एस्ट्रिक जहां ए एस्ट्रिक बी बराबर 2 की पावर ab, ये आपका नियम लगा हुआ है और इस सेट में हमें इस प्रश्न में बताना है कि ये क्रमणिक नियम का पालन करता है या नहीं करता है, शास्त्रीय नियम का पालन करता है या नहीं करता है, हमें ये बताना है यहाँ पर। तो पहले हम इसमें क्रमणिक नियम का पालन करवाएंगे, क्रम विनिमेयता, क्रमविनिमेयता नियम की बात देखेंगे। अब क्रमविनिमेयता नियम देखने के लिए हमें कम से कम 2 एलिमेंटों की आवश्यकता होती है। तो मैं लेता हूं माना ए एंड बी कंटेन नेचुरल नंबर, मैंने 2 एलिमेंट ले लिया ए और बी नेचुरल नंबर में। अब इसका इस डेफिनेशन में अप्लाई करते हैं कि ए एस्ट्रिक बी बराबर 2 की पावर ab, ये वाम पक्ष हुआ। अब दक्षिण पक्ष और देखो इसका, बी एस्ट्रिक ए बराबर 2 की पावर ba हो जाएगा। तो देखो इधर बी ए लिखो या ए बी लिखो, ए की बात है तो ये किसके बराबर आ गया, ये ए एस्ट्रिक बी के बराबर आ गया। तो देखो बी एस्ट्रिक ए और ए एस्ट्रिक बी किस नियम के पालन हो गया, क्रमणिकता नियम के पालन हो गया यहाँ पर। अब बात करेंगे हम साहचर्यता की। साहचर्यता में हम क्या करते हैं, 3 एलिमेंटों की आवश्यकता पड़ी है। तो मैं 3 एलिमेंट लेता हूँ, माना ए बी सी कंटेन एन, ए बी सी कंटेन एन। तो साहचर्यता का पहला जो आपका वाम पक्ष है वो होता है ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, इस प्रकार से। तो इसमें लगाओ आपका नियम, पहले यहां पर लगाओ क्या है, ये हो जाएगा ए एस्ट्रिक 2 की पावर bc, ठीक है। अब ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, अब यहां पर फिर से आपका नियम लगेगा, ये हो जाएगा 2 की पावर a 2 की पावर bc, इस प्रकार से लागू होगा ये, ठीक है। और इसका दूसरा पक्ष है ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, इसमें लगाओ क्या लगेगा, पहले इसमें लगेगा कोष्टक वाले में, ये होगा 2 की पावर ab एस्ट्रिक सी, फिर इसमें लगेगा आपका क्या आएगा आगे नेक्स्ट, ये आएगा 2 की पावर ab c। क्या ये समीकरण नंबर 1 नाम देता हूं और इसका समीकरण नंबर 2 नाम देता हूं, क्या समीकरण 1 और 2 बराबर है? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट नॉट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड बराबर नहीं है, इसका मतलब ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी नॉट इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, ये क्या कहता है, ये कहता है कि शास्त्रीय नियम का पालन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरे का सेकंड पार्ट, एन में एस्ट्रिक जहां ए एस्ट्रिक बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी। इस प्रश्न में हमें पहले क्रमविता देखना है उसके बाद शास्त्रीयता देखेंगे। क्रमविता देखो इसमें क्या कहता है, क्रमविता माना वही मैं 2 एलिमेंट ले लूंगा ए एंड बी कंटेन नेचुरल नंबर। अब इसमें इसकी डेफिनेशन लगाऊंगा क्रमविता की, तो ए एस्ट्रिक बी बराबर क्या होता है, ए एस्ट्रिक बी बराबर लगाओ ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी। इसकी दूसरा भाग है बी एस्ट्रिक ए बराबर बी प्लस ए प्लस बी स्क्वायर ए, क्या ये दोनों भाग बराबर है? देखो यहां पर तो ए स्क्वायर आ रहा है और यहां पर बी स्क्वायर आ रहा है, तो देन इंप्लाइज ए एस्ट्रिक बी नॉट इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए, तो ये आपका क्रमविनिमेय नहीं है, ठीक है। दूसरा साहचर्य देखो, इसमें साहचर्य देखने के लिए हमें कम से कम 3 एलिमेंटों की आवश्यकता होती है, ए बी सी कंटेन नेचुरल नंबर। तो साहचर्यता की डेफिनेशन लगाओ यहां पर ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, देन इंप्लाइज पहले इसमें लगेगा
तो ये डेफिनेशन इसमें लगा दो, ए एस्ट्रिक लगाओ इसमें बी एस्ट्रिक सी, तो क्या लगेगा बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी। अब फिर इसमें लगेगी यही डेफिनेशन, क्या लगेगी बताओ, ये लगेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर कोष्टक, कोष्टक में ये लिख दो बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी। इसको आगे हल कर दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ये बनेगा इसमें। ठीक है, इसका दूसरा भाग है, यहां देखते हैं हम दूसरा भाग इसका। यहां पर ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी बराबर, इसमें लगाओ ये डेफिनेशन, तो ये लगेगा ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, ये लगेगा ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस सी प्लस, अब इसका स्क्वायर ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी का होल स्क्वायर सी, ये लगेगा। तो ध्यान रखना ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, देखो यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है, यहां पर क्या प्राप्त, दोनों अलग अलग चीज प्राप्त होगी। क्यों, अब देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन होगा तो कितनी बड़ी टर्म बनेगी यहां पर, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं देन इंप्लाइज ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी नॉट इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, इसका मतलब ये साचरीय नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दो का तीसरा, पूर्णांक में एस्ट्रिक जहां ए एस्ट्रिक बी बराबर ए माइनस बी, इसमें हम पहले क्रमनिमित्ता नियम देखेंगे। माना ए बी कंटेन जेड, मैंने दो एलिमेंट ले लिए, वो जेड में है वो दोनों, अब उसमें क्रमनिमित्ता की डेफिनेशन लगाओ, पहले ए एस्ट्रिक बी बराबर ये डेफिनेशन लगाओ क्या होगा ए माइनस बी, और इसकी सेकंड पार्ट क्या होता है बी एस्ट्रिक ए बराबर बी माइनस ए, क्या ये दोनों कभी बराबर हो सकते, नहीं हो सकते। इस देन इंप्लाइज ए एस्ट्रिक बी नॉट इक्वल टू बी एस्ट्रिक सी, तो ये आपका क्रमनिमित्ता नियम नहीं है। ठीक है, आगे देखो साहचर्यता, साहचर्यता में हमें तीन एलिमेंट ले लेंगे, माना ए बी सी कंटेन जेड, तीन एलिमेंट ले लेंगे, तीनों एलिमेंटों के लिए लगाते हैं साहचर्य ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी बराबर, पहले इसमें लगाएंगे तो ए एस्ट्रिक बी माइनस सी, फिर इसमें लगाएंगे ए माइनस बी माइनस सी, तो क्या आएगा ए माइनस बी प्लस सी, दूसरा इसका सेकंड पार्ट है ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी बराबर ए माइनस बी एस्ट्रिक सी, ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, क्या समीकरण एक और समीकरण दो बराबर है, तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट नॉट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, तो यहां पर आपकी साचर्य लागू नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर तीन है दूसरे का, रेशनल में एस्ट्रिक जहां ए एस्ट्रिक बी बराबर ए बी प्लस वन, इस प्रकार से आपका नियम परिभाषित है, तो उसमें क्रमनिमित्ता नियम देखेंगे। माना ए बी कंटेन क्यू, दो रेशनल नंबर हैं, तो देखो इसमें क्रमनिमित्ता क्या कहता है, ए एस्ट्रिक बी बराबर ए बी प्लस वन, और इसी का दूसरा है बी एस्ट्रिक ए बराबर बी ए प्लस वन। अब ध्यान रखना मल्टीप्लाई में आपका क्रमनिमित्त नियम लागू होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं ए बी प्लस वन, और ये ए बी प्लस वन क्या कहता है, ये ए एस्ट्रिक बी तो होता है, तो देन इंप्लाइज ये आपका साचर्य है। ठीक है ना, साचर्य क्रमनिमित्त है, क्रम विनिमेय है। ठीक है, साचर्य देखो इसका, माना वो तीन एलिमेंट ले लूंगा मैं ए बी सी कंटेन क्यू, तो इसका रूल कहता है ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी बराबर ए एस्ट्रिक, मैं लगाता हूं इसमें ये रूल, तो क्या होगा बी सी प्लस वन, अब ये रूल इसमें फिर से अप्लाई कर दो, क्या होगा ए बी सी प्लस वन, ए बी सी, देखो ए एस्ट्रिक बी था ना ए बी प्लस वन हो रहा था, यहां पर होगा ए बी सी, इस प्रकार से होगा ये और प्लस वन। ठीक है, तो ये होगा ए बी सी प्लस ए प्लस वन, इस प्रकार से, तो इसका सेकंड है ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी बराबर, ये होगा ए बी प्लस वन
एस्ट्रिक सी और ये होगा ए बी प्लस वन सी प्लस वन, ये होगा ए बी सी प्लस सी प्लस वन। क्या ये दोनों बराबर हैं? ये दोनों बराबर नहीं है तो शास्त्रीय नियम का पालन भी नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर दो का पांचवा, आर में स्टार जहां ए एस्ट्रिक बी बराबर ए प्लस बी माइनस सात, यहां पर प्लस ध्यान रखना। तो इस नियम के लिए हमें कर्मनियमता नियम देखना है। तो देखो, माना ए बी कंटेन आर, तो ए एस्ट्रिक बी बराबर ए प्लस बी माइनस आर के नियम फॉलो करवा दिया। तो बी एस्ट्रिक ए के लिए देखो बी प्लस ए माइनस आर, ध्यान में रखना योग संक्रिया में क्रमन विनिमयता नियम लागू होता है। तो इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी माइनस सात, और ए प्लस बी माइनस सात यहाँ पर देखो अपने निकालना ए एस्ट्रिक बी। तो बोलो ये साचर्य है, ये क्रमविनिमय है या नहीं है? क्रम विनिमय है, ठीक है। साचर्यता माना, साचर्यतम देखो, साचर्यतम हम देखेंगे ए बी सी कंटेन आर में, मैं लिखूंगा ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी। तो इसमें ये नियम लगाओ, ये नियम लगा ए एस्ट्रिक बी प्लस सी माइनस सात, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट लगेगा ए, अब ये एक एलिमेंट है तो ए एस्ट्रिक बी, इसी के अनुसार इसको लगाओ तो ये लगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस सात माइनस सात। तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस फोर्टीन। दूसरा है ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी बराबर ए प्लस बी माइनस सात एस्ट्रिक सी, फिर से इसमें नियम लगाओ ए प्लस बी माइनस सात प्लस सी माइनस सात। तो ये लगेगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस फोर्टीन। तो यहाँ पर देखो ये क्या नियम लागू हो रहा है, ये चीज़ ऊपर आई आपकी, तो इसको लिख सकता हूँ मैं ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी। तो बोलो किस नियम का पालन करता है ये साहचर्य नियम का पालन करता है, साहचर्यता का पालन करता है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने पिछले यहां पिछले प्रश्न में हमने ऐसे क्रॉस लगाया था, वहां पर क्रॉस नहीं लगाना आपको, वहां पर आपको लिखना है कि आता है, जैसे कोई क्रम विनिमय था तो उसको लिखोगे अतः क्रम विनिमय है, और यदि कोई क्रम विनिमय नहीं है तो लिखोगे अतः यह क्रम विनिमय नहीं है। ये आपको लिखना है, क्रॉस का निशान नहीं लगाना है, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर तीन, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसमें क्या है, उसमें एक जेड पूर्णांकों का सेट है जिसमें एस्ट्रिक संक्रिया ए एस्ट्रिक बी बराबर ए प्लस बी प्लस वन की तरह परिभाषित है, और इस संक्रिया में हमें कर्मविनिमय साहचर्यता और इस संक्रिया के लिए तस्मक अवयव और इस संक्रिया के लिए हमें प्रतिलोम अवयव ज्ञात करेंगे। तो देखो पहले हम कर्मविनिमयता नियम की बात करते हैं यहाँ पर इस संक्रिया के लिए। तो देखो किस प्रकार के ये, माना वो दो एलिमेंट ले लूंगा मैं जेड में से, ठीक है, दो एलिमेंट ले लूंगा जेड में से। तो कर्मविनिमय क्या कहता है कि ए एस्ट्रिक बी बराबर, ये संक्रिया लगा दो ए प्लस बी प्लस वन, इसका दूसरा ऑपोजिट रूप है ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक ए बराबर बी प्लस ए प्लस वन। और आपको पता है योग संक्रिया में शास्त्रीय कर्मविनिमय का पालन होता है, तो इसको लिख सकता हूं मैं ए प्लस बी प्लस वन, और ए प्लस बी प्लस वन बराबर क्या है ए एस्ट्रिक बी है। तो देन इंप्लाइज यहां पर आपका जो एस्ट्रिक संक्रिया है कर्म विनिमयता का पालन करती है, ठीक है, कर्म विनिमय का पालन करती है। अब बात करेंगे साहचर्यता की, माना मैंने तीन एलिमेंट ले लिए ए बी सी कंटेन जेड, तो साहचर्य नियम क्या कहता है ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी बराबर, पहले इसमें नियम लगाएंगे ये, तो ये हो जाएगा ए एस्ट्रिक बी प्लस सी प्लस वन, फिर से ये नियम लगेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस वन प्लस वन, क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू, इसका दूसरा रूप है
ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी बराबर ए प्लस बी प्लस वन एस्ट्रिक सी, फिर से लेगा ए प्लस बी प्लस वन प्लस सी प्लस वन, ये लगेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू। कुछ नहीं, मैंने नियम लगाए इसमें, तो बताओ ये नियम यहां पर है, निकाला भी आपने ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी से, तो ये हो जाएगा ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी। तो क्या है यहां पर, देन इंप्लाइज ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी बराबर ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, दोनों पक्ष बराबर हो गए, दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि यह एस्ट्रिक साहचर्य संख्या का पालन करती है, एस्ट्रिक साहचर्यता का पालन करती है। हम बात करेंगे प्रतिलोम तत्समक अवयव की, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, माना ई कंटेंट जेड में, माना ई कंटेंट जेड का प्रतिलोम अवयव है, प्रतिलोम अवयव है, अवयव है, और एक एलिमेंट ले लेते हैं हम, ए एलिमेंट ए कंटेंट जेड के लिए, के लिए, ठीक है। इस एलिमेंट के लिए जो ई जो जेड में कंटेन कर रहा है, ये इसका क्या है, प्रतिलोम है। तो देन इंप्लाइज मैं डेफिनेशन से क्या लिख सकता हूं, ए एस्ट्रिक ई बराबर प्रतिलोम का क्या काम होता है, उसी एलिमेंट को वापस दे देता है। तो अब देखो ए एस्ट्रिक ई बराबर ए, अब देखो ए एस्ट्रिक ई में ये सक्रिय, ये नियम अप्लाई करो तो ये हो जाएगा ए प्लस ई प्लस वन बराबर ए। अब देखो ए से ए कैंसिल, तो ये हो जाएगा ई प्लस वन बराबर जीरो, और ई बराबर कितना आ जाएगा, माइनस वन। और ये माइनस वन क्या पूर्णांक नंबर है या नहीं, है, कंटेन जेड, तो ये आपका इसका प्रतिलोम अवयव आ गया, सॉरी ये आपका तस्मक अवयव है, प्रतिलोम अवयव नहीं तस्मक। देखो प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव ज्ञात करने के लिए हम करेंगे, माना कोई जेड में एक एलिमेंट लिया ए, और इस एलिमेंट ए के लिए अवयव बी प्रतिलोम हो, तो प्रतिलोम प्रतिलोम की डेफिनेशन क्या कहती है कि ए एस्ट्रिक बी बराबर माइनस वन, मतलब आइडेंटी एलिमेंट देता है, ठीक है। तो ए एस्ट्रिक बी बराबर माइनस वन, तो अब इसमें ये नियम लगा देते हैं, तो ए प्लस बी प्लस वन बराबर माइनस वन, और हमें प्रतिलोम में बी निकालना है, तो बी बराबर हो गया माइनस प्लस वन का ट्रांसफर कर दिया, माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन माइनस वन कितना हो गया, माइनस टू, और ए का ट्रांसफर किया माइनस ए हो गया। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बराबर ए इनवर्स, मतलब अवयव ए का प्रतिलोम देखना है तो इसका इनवर्स हो जाएगा, बराबर माइनस को कॉमन ले लो, माइनस कोष्टक ए प्लस बी, ये हो गया आपका प्रतिलोम अवयव। इस संक्रिया के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट पर्सन, क्वेश्चन नंबर चार जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर चार, उसमें एक सेट है वास्तविक संख्याओं का, और ये एक मंजिल कोष्ठक में वन लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वन एलिमेंट है वो आर में नहीं है, पर एक द्विआधारी संक्रिया ए एस्ट्रिक बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी की तरह एक संक्रिया परिभाषित है। तो इस प्रश्न में हमें क्रमविन्यता, साहचर्यता, प्रतिलोम अवयव और तस्मक अवयव की चर्चा करेंगे। तो देखो क्रमविन्यता, माना दो एलिमेंट लूंगा ए एंड बी कंटेन आर माइनस वन, इस सेट में से दो एलिमेंट लूंगा। अब क्रमविन्यता नियम लगाओ, ए एस्ट्रिक बी बराबर, लगा दो ये नियम क्या है, ए प्लस बी माइनस ए बी। दूसरा है बी एस्ट्रिक ए बराबर बी प्लस ए माइनस बी ए, ध्यान में रखना है योग और मल्टीप्लिकेशन गुणन संक्रियाओं में क्रमिक विनिमयता नियम लागू होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी माइनस ए बी, और ये ऊपर लिखा हुआ है किसके बराबर है, ये है ए एस्ट्रिक बी के बराबर है। तो यहां से क्या प्रूफ हुआ, यहां से प्रूफ आई कि ये क्रमिक नियम का पालन करता है। अब बात करते हैं साहचर्यता की, साहचर्यता सिद्ध करने के लिए हमें कम से कम तीन एलिमेंटों की आवश्यकता होती है, तो मैंने तीन एलिमेंट ले लिए ए बी सी, वो सेट इसमें से ले लिए। तो पहला नियम है ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी में ये रूल मैंने अप्लाई कर दिया,
कि ये पहले कोष्टक वाले में अप्लाई किया मैंने, तो b प्लस सी माइनस बी सी एस्ट्रिक एक, अब ये एक अपने आप में एक एलिमेंट है, तो a एस्ट्रिक b प्लस सी माइनस बी सी, फिर इस पर पुनः ये नियम अप्लाई कर दिया तो क्या प्राप्त हुआ, a प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस a b प्लस सी माइनस बी सी, और इसको मैंने हल कर दिया। इसी प्रकार a एस्ट्रिक a प्लस बी माइनस ए बी एस्ट्रिक सी, और इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास वही स्टेप प्राप्त हो जाएगी जो हमने पहले प्राप्त की थी। इसलिए a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक सी बराबर a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक सी दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये शास्त्रीय नियम का पालन करेगा। अब बात करेंगे हम तत्समक अवयव की। तो तत्समक अवयव में हम क्या करते हैं, माना इस सेट में से एक a एलिमेंट लिया और इसका मैंने e तत्समक है e, तो a एस्ट्रिक e बराबर a, तत्समक की मैंने डेफिनेशन लगा दी। तो a एस्ट्रिक e में जो दी गई संख्या यहां पर लगाई तो ये हुआ a प्लस e माइनस ए ई बराबर a, फिर ऐसे ये कैंसिल, e कोष्टक 1 माइनस a बराबर 0। अब यहां पर ध्यान रखना 1 माइनस a नॉट इक्वल टू 0, क्यों हुआ, क्योंकि यदि मैं इसको 0 के बराबर कर दूंगा तो a बराबर 1 आ जाएगा और जो 1 एलिमेंट है वो सेट R में नहीं है, अतः यहां पर 0 कौन होगा, e बराबर 0। प्रतिलोम अवयव की देखो, माना a कंटेन R माइनस 1 का प्रतिलोम अवयव भी हो तो हम प्रतिलोम अवयव की डेफिनेशन लगाएंगे कि a एस्ट्रिक b बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, तो हमने प्रतिलोम अवयव की डेफिनेशन लगा दी। फिर इसमें ये संक्रिया अप्लाई कर देंगे कि a एस्ट्रिक b बराबर होता है a प्लस b माइनस ab बराबर 0, a का मैंने ट्रांसफर कर दिया माइनस a, यहां से b कॉमन ले लिया तो यहां बच गया 1 माइनस a, फिर इसका भी हमने ट्रांसफर कर दिया मल्टीप्लाई में तो ये भाग में चला जाएगा, तो b बराबर हो गया माइनस a अपॉन 1 माइनस a, यहां से मैंने नेगेटिव को कॉमन ले लिया, ऊपर वाले नेगेटिव से कैंसिल हो गया, क्या बच गया b बराबर a अपॉन a माइनस 1, जो कि वास्तविक संख्या में कंटेन करेगा, जहां a माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। ये आपका हो गया प्रतिलोम अवयव। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एक सेट है आपका आर नॉट, आर नॉट का मतलब इसमें शून्य सम्मिलित नहीं है और वास्तविक संख्या है पूरी, और उसमें चार फलन है वो इस प्रकार से परिभाषित हैं। तो उसने क्या बोला कि इसका संयुक्त फलन, इसका संयुक्त संक्रिया क्या होगी, और उस संयुक्त संक्रिया पर हमें उसका तत्समक अवयव और प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है। तो संयुक्त जो संक्रिया में हमें इस टेबल का पूरा, इस टेबल को हमें फ्लिप करना है। तो देखो कॉम्पोजिट फलन पढ़े बस उसी प्रकार से, एफ वन ऑफ एफ वन मतलब पहली संक्रिया, इसे संक्रिया अभी आपने मॉड्यूलो पढ़ा, आपने मॉड्यूलो गुणन और मॉड्यूलो योग, उसी प्रकार से ये काम करेगा, लेकिन उसमें कॉम्पोजिट फंक्शन का जो परिभाषा है उस वो लागू होगी। तो देखो हम क्या करते हैं, x कंटेन r नोट में मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं, फिर यहां पर संक्रिया लगेगी। देखो कैसे, f1 की f1 से, f1 की f2 से, f1 की f3 से, f1 की f4 से, तो f1 की f1 से कंपोजिट करवाता हूं इस x एलिमेंट के लिए। तो देखो पहले हो जाएगा fn ऑफ f1x, और f1x की इमेज कितनी है x, फिर f1x की इमेज कितनी आएगी x, वो कौन सा फलन है आपका f1 फलन है, तो प्रथम कॉलम प्रथम बॉक्स में कितना आ जाएगा f1 हो जाएगा। इसी प्रकार की f1 की f2 से संक्रिया कराऊंगा तो कितना आएगा f2 प्राप्त हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा f3, और इसमें कितना हो जाएगा f4, इस प्रकार से हमें फलन प्राप्त होते जाएंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट देखो, इसी प्रकार f2 के लिए देखते हैं, तो f2 ऑफ f1 आएगा f2, f2 ऑफ f2 आएगा f1, f2 ऑफ f3 आएगा f4, और f2 ऑफ f4 आएगा f3। इसी प्रकार से हम f3 और f4 फ्लिप करेंगे। तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव की बात करेंगे, तो देखो इस सारणी में कुछ निष्कर्ष हैं आपके। पहला निष्कर्ष है, यदि सारणी मुख्य विकिरण के सापेक्ष सममित है तो संक्रिया उस सेट में कर्मिन में होती है। तो हम देखते हैं मुख्य विकिरण क्या, आपका ये रहा मुख्य विकिरण, ये आपका मुख्य विकिरण है,
इस मुख्य विकिरण के सापेक्ष इसके जो अवयव है वो सममित है या नहीं है, देख लेते हैं। देखो यहां से मैं चलता हूं इधर, एक स्टेप चलता हूं यहां पर, तो इधर चलना पड़े ऊपर, एक स्टेप ऊपर चलता हूं और एक स्टेप इधर चलता हूं, तो यहां पर कितना आ रहा है F2, यहां पर कितना आ रहा है F2। फिर यहां के इस एलिमेंट की बात करो, इधर से यदि मैं दो स्टेप ऊपर चल रहा हूं तो F3 आ रहा है, इधर से मैं दो स्टेप चलूंगा तो F3 आ रहा है। तो ये मुख्य विकिरण के सापेक्ष एलिमेंट क्या है, सममित है। अतः ये जो द्विआधारी संक्रिया है वो क्या है, यहां पर कर्मविन में है उसमें। इसका दूसरा परिणाम है AJ से प्रारंभ होने वाली पंक्ति सबसे ऊपरी पंक्ति के संपाती है या नहीं है। देखो AJ से ये जो पंक्ति है ये सबसे ऊपरी पंक्ति के क्या है, संपाती है। और इसका जो स्तंभ है वो भी इसकी प्रथम स्तंभ के क्या है, संपाती है। तो ये क्या कहता है कि AJ से प्रारंभ होने वाली पंक्ति सबसे ऊपरी पंक्ति के संपाती हो तो AJ S में संक्रिया का तस्मक अवयव होता है। AJ कौन सा, इसका जो ये फर्स्ट एलिमेंट है, इस पंक्ति का जो प्रथम अवयव है F1, वो इसका क्या होगा, तस्मक अवयव होगा। फिर लास्ट बात है इसकी, सेट का कोई अवयव तभी व्युत्क्रमणीय होगा जब टेबल में इस सारणी में उसके संगत पंक्ति तथा स्तंभ में तस्मक अवयव हो। जैसे मैं बात करूं एलिमेंट 2 की, तो इस 2 के एलिमेंट में आप इसकी पंक्ति में चलो, जहां पर F1 आ गया, ये आ गया ना यहां पर F1, अभी मैंने आइडेंटिटी बताया इसको, तो ये आइडेंटिटी प्राप्त हो गया। तो इसके कोरस्पोंड इसके ऊपर स्तंभ में देखो यहां पर कितना है F2, इसका मतलब इस F2 का जो प्रतिलोम अवयव होगा वो F2 होगा। जैसे मैं 4 F4 की बात करूं, F4 के कोरस्पोंड में पंक्ति में चलता हूं तो ये रहा तस्मक अवयव यहां पर है, तो इस तस्मक अवयव आ गया, इसके कोरस्पोंड इस पंक्ति स्तंभ में चलो तो यहां पर कितना है F4, इसका मतलब F4 ही क्या होगा, प्रतिलोम होगा। तो यहां से जो परिणाम प्राप्त हुए, परिणाम प्राप्त क्या हुए, ये कर्मविन में है। दूसरा परिणाम क्या प्राप्त हुआ, इसका जो तत्समक है, इसका जो तत्समक है वो कितना है F1 है। और इसका जो तीसरा परिणाम जो प्राप्त हुआ कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम क्या प्राप्त हुआ, जैसे F1 का खुद एलिमेंट खुद का प्रतिलोम होता है, दूसरा F2 का F2 प्रतिलोम होता है, F3 का F3 प्रतिलोम होता है और F4 का F4 प्रतिलोम होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। यहां से आपकी प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट होती है, यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।